हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास स्पीकर है ऑडियोनिक का लिब्रा। ये किसी ने ऑनलाइन मंगाया था और इसमें जब मैं ऑनलाइन मंगाया तो ये स्पीकर वर्क नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये ब्रांड न्यू स्पीकर है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो फिर आप देखेंगे इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी है, ये 1 ईयर वारंटी में है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि इसमें जो डेट लगी हुई है 31/1/2022 को इसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, ना इस पर डीलर की स्टैंप है, तो ये क्लेम नहीं हुआ स्पीकर और ये उन्होंने वापस भी नहीं किया जिससे ऑनलाइन मंगाया था। और फिर इसमें इशू क्या आ रहा है वो मैं आपको दिखाऊँ अगर। तो फिर जब हम इसको ऑन कर रहे हैं स्पीकर को तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा, अगर चले चार्जिंग का इशू है इसके अंदर, मान लेते हैं कि लम्बे कोई स्पीकर हमारा चार्ज नहीं है। तो फिर ये मेरे पास चार्जिंग की केबल है, आप देखेंगे कि ये फ़ोन चार्ज हो रहा है, ये बिल्कुल ओके हमारा चार्जर वर्क कर रहा है। और जब हम इसको प्लग इन कर रहे हैं तो ये एक ब्लू लाइट जलाता है खाली, इसके अंदर ब्लू लाइट जलती है, लेकिन ये ऑन ऑफ मोड कोई भी इसका वर्क फंक्शन वर्क नहीं करता, ना ये ब्लूटूथ पे जाता है, ना इसमें मेमोरी कार्ड वर्क करता है। तो फिर आइए खोल के चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ये बन सकता है या नहीं स्पीकर। तो फिर आइए इसको खोलना शुरू करते हैं हम। तो फिर इस स्पीकर को खोलने के लिए ये जो इसका फ्रंट है ये रिमूव होगा, इसमें ऐसा कोई स्क्रू आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये इस तरह खुलेगा कि ये जो इसका फ्रंट है आप इसको किसी बारीक पेचकस से इस तरह करेंगे तो इसका ये फ्रंट कवर इसे निकल आएगा। और जब फ्रंट कवर निकल आएगा तो आपको ये नज़र आएंगे 4 होल, इसके अंदर 4 स्क्रू हैं। तो फिर ये 4 स्क्रू ओपन करने के बाद इसका ये जो बैक है इसको रिमूव करेंगे। इसमें भी कोई बारीक पेचकस की मदद आप ले सकते हैं, इसको यहाँ से आराम आराम से इस तरह खोलेंगे तो स्पीकर का कवर हट जाएगा। और इसके अंदर एक बैटरी है, एक स्पीकर है और ये कार्ड है। कार्ड को इसमें से हम निकाल लेंगे और बैटरी को भी इसमें से हम रिमूव करेंगे आराम आराम से। तो ये हमारी इसमें से बैटरी निकल आई है। तो फिर इसको करने के लिए सही, सबसे पहले हम इसकी बैटरी को चेक करेंगे कि बैटरी इसकी सही है या नहीं है। तो फिर बैटरी को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट पे सेट कर लिया है अपने। इसमें बैटरी के जो 2 तार आ रहे हैं माइनस प्लस रेड और ब्लैक है, ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पर लग रहा है। तो फिर हम बैटरी के वोल्ट सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी बैटरी सही है या नहीं है। तो फिर आप देख सकते हैं बैटरी हमारी वीक है इसकी, और बैटरी 0.6 वोल्ट पे है जबकि इसको 3.6 वोल्ट पे होना चाहिए। तो फिर इसमें हमारा जो इश्यू है वो बैटरी का है। तो फिर बैटरी हम इसमें और कौन सी लगा सकते हैं 3.7 वोल्ट की, मैं आपको बता देता हूँ आप कौन कौन सी बैटरी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप ये बैटरी देख रहे हैं, ये लैपटॉप की बैटरी है और इसके अंदर सेल होते हैं 3.7 वोल्ट के। मेरे पास एक खुली हुई बैटरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर ये मेरे पास बैटरी खुली हुई है और इसका जो एक सेल है बैटरी का वो 3.7 वोल्ट का होता है। ये इस बैटरी भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये भी लियोन बैटरी है। और फिर जैसे एक ये सेल है ये भी बैटरी का सेल है, तो अगर मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराऊँ तो आप देखेंगे कि ये 3.7 वोल्ट का है पूरा सेल। लेकिन फिर ये जो सेल है ये इसमें नहीं आ सकता, ये सेल हमारा छोटा है, ये सेल बड़ा है। तो ये अगर हम इसमें लगा भी दें स्पीकर तो हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स नहीं होगा, इसके अंदर ये सेल बड़ा है। तो फिर हमें इसके लिए छोटे सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ये भी मेरे पास एक बैटरी है 3.7 वोल्ट की, तो फिर हम इसमें ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोनों सेम साइज़ की हैं और ये हम यहाँ इजी रख भी सकते हैं, इसमें गुंजाइश भी है। ये बैटरी भी इसमें लग सकती है, ये बैकअप और भी ज़्यादा अच्छा देगी, लेकिन ये जगह ना होने की वजह से ये बैटरी इसमें नहीं लग सकती। तो फिर ये वाली बैटरी हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो फिर जैक को हम इसमें से काट देंगे क्योंकि हम इसको डायरेक्ट वायर को सोल्ड कर देंगे वायर के साथ। और अगर हम इस बैटरी को चेक करें तो इसमें हमारे कितनी वोल्ट हैं, तो फिर आप देख सकते हैं इसमें 3.8 वोल्ट है, ये फुल चार्ज है बैटरी इस वक्त। और इस बैटरी को रिमूव करने के लिए अगर हम ये इसको ऐसे रख देंगे तो इसके वायर छोटे पड़ सकते हैं, तो बेहतर है कि हम इसके वायर कट करके इसमें जॉइंट कर दें। फिर वायर को हम इसके साथ ही कनेक्ट कर देंगे।
तो वेयर वायर हमने इसके सोल्ड कर दिए हैं, इस पर टेप कर देंगे। और फिर अब इसकी हम फिटिंग कर देते हैं, फिर हम इसको चेक करेंगे। ये बटन वगैरह अब इसके सारे प्रेस हो रहे हैं, ये फिटिंग सही बैठ गई है इसकी। एक ये इसका स्विच है, ये भी लगा दिया है। और बैटरी हमारी इसके अंदर फिक्स कर देंगे इसको, बैटरी को, बैटरी इसमें फिक्स हो गई है। अगर आप चाहें तो इसमें एलफी वगैरह डाल के, कोई गम वगैरह डाल के भी इसको बिठा सकते हैं, लेकिन बैटरी हमारी अच्छी फिक्स हो गई है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये हिल नहीं रही है। तो यार बाकी इसका ये कवर है, ये लगा देंगे हम अब। और कवर लगाने से पहले एक ये बेल्ट है, ये डाल देंगे हम। और उसके बाद ये इसके चार स्क्रू हैं, तो ये चार स्क्रू लगाने के बाद ये इसका कवर है, ये बिठा देंगे हम। तो ये सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग चेक करेंगे कि ये चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिर आप देखेंगे कि रेड लाइट इसके अंदर जल रही है चार्जिंग वाली। और अगर मैं ये चार्जर बंद कर दूंगा तो ये लाइट आप देखेंगे बंद हो गई। ये मैंने चार्जर ऑन किया तो ये लाइट आप देखेंगे ये जल गई दोबारा। तो ये चार्जिंग चेक हो गई हमारी। अब हम अपने स्पीकर को चेक कर लेंगे कि ये ऑन करके हमने ऑन किया तो इसमें आप देखेंगे ब्लू लाइट जल गई, साउंड भी आ रहा है। वेरी मेरे पास कार्ड है 16 GB का, तो मैं ये इसमें प्लग इन करके देख लेता हूँ कि हमारा वर्क कर रहा है सही या नहीं। Play by TF card. तो यार आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्पीकर वर्क कर रहा है और इसके बटन वगैरह भी वर्क कर रहे हैं। ये पॉज का है बटन और अभी पॉज हो गया हमारा स्पीकर। तो फिर आप देख सकते हैं स्पीकर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये चार्ज भी हो रहा है, इसमें कार्ड भी चल रहा है, ब्लूटूथ हर चीज़ चल रही है। इसमें जस्ट जो इशू था वो इस बैटरी का था। और फिर आपको ये जो बैटरी है ये मार्केट से आपको मिल जाती है ईजिली 150 रुपये की, जस्ट 150 रुपीज़ की आपको ये बैटरी मिल जाती है। और ये बैटरी होती है 3.7 वोल्ट की। तो फिर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।